ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन के ना एकदम शॉक हो गए होंगे, क्योंकि दो महीने से मैं अपने चैनल के ऊपर नहीं था। मैं कुछ दूसरे काम के अंदर बिजी था एंड वो दूसरा काम भी मेरा हो चुका है। जहाँ पे मुझको सिलेक्शन चाहिए था वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी के टाइम हम क्या करने वाले, अपने चैनल के ऊपर रेगुलर रहने वाले हैं एंड इस टाइम मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है गाइस। जो कि हमारी शुरू की रीच थी, अब वो रीच नहीं रही है। हमारे चैनल के ऊपर 2000-3000 व्यूज़ के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते हैं। तो गाइस, जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना एंड अपने दोस्तों तक पहुँचा देना गाइस। एंड इस चैनल को मुझको फिर से उठाना है, फिर से इस चैनल को ग्रो करना है। तो गाइज, ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज, जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि YFF एंड अदर बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उनके हेडशॉट इतने ज़्यादा खतरनाक लगते हैं एंड आप उनके हेडशॉट को देखते हो और बोलते हो, भाई साहब क्या ही हेडशॉट मारा यार, कैसे हमारे भी इस तरीके के हेडशॉट लगते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी उस तरीके के हेडशॉट मारने हैं ना, तो गाइज ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम पूरा देखना, तभी आप लोगों के हेडशॉट इस तरीके के लग पाएंगे। एंड बाय द वे गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, तुम्हारे इस भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हो एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, वरना इस तंत्र को ढूंढते हुए आओगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो, या फिर UMP के साथ हेडशॉट मारना चाहते हो, या फिर आप लोगों के पास AR गन है, या फिर आप लोगों के पास कोई भी स्नाइपर, आप लोग हर एक गन से हेडशॉट मार पाओगे। लेकिन उसको जाने से पहले आप लोगों को चलना पड़ेगा अपने गेम के अंदर, वहीं पे आप लोगों को मैं बेस्ट हेडशॉट सेटिंग बता सकता हूं। तो जल्दी से चलते अपने गेम के अंदर, आप लोगों को बताता हूं हेडशॉट सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को गेम के अंदर आ जाना है एंड गेम के अंदर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सामने एक सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ब्राउज कलर का ऑप्शन देख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियर कैच का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लोग क्लियर कैच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा वेब रिकॉर्ड विद क्लियर। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको क्लियर कर देना है एंड उसको क्लियर करने के बाद आप लोगों को अपने डिस्प्ले वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। तो आप लोग जैसे अपने डिस्प्ले वाले ऑप्शन के ऊपर आओगे, अगर आप लोगों के पास हाई डिवाइस है तो आप लोगों अपना जो ग्राफिक लेवल है, हाई रेजोल्यूशन है, उसको क्या करना है, एकदम हाई कर लेना है, मैक्स कर लेना है, जिससे आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, तो आप लोग उसको अल्ट्रा करके या फिर स्टैंडर्ड करके भी खेल सकते हो। तो बाय द वे, मैं यहाँ पे अल्ट्रा करके खेलता हूँ, जिससे मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। तो बाय द वे, उसके बाद हम बात करने वाले अपने मेन कंटेंट सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइस, सेंसिटिविटी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो जो सेंसिटिविटी मैं आप लोगों को रखने के लिए बोलूंगा, आप लोगों को वही सेंसिटिविटी रखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी से। तो गाइस, ज्यादातर बंदे इस फ्री लुक सेंसिटिविटी का यूज नहीं करते हैं एंड मैं भी नहीं करता हूं। तो आप लोग अगर यूज करना चाहते हो तो आप लोग इसको 50 अराउंड रख सकते हो। बाय द वे, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हेडशॉट मारने के अंदर, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। बट इस सेंसिटिविटी को अगर आप लोग रखना चाहते हो तो 48 के ऊपर रख सकते हो। तो गाइस, उसके बाद हम बात करने वाले अपनी स्कोप सेंसिटिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले अपने 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि वन टाइप हेडशॉट मारने के अंदर 2x स्कोप सेंसिटिविटी का कोई भी यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ तभी होता है जब आप लोग स्कोप इन करके खेलते हो। तो अगर आप लोग स्कोप इन करके खेलते हो एंड 2x स्कोप से हेडशॉट मारना चाहते हो, तो आप लोगों को अपना जो 2x स्कोप सेंसिटिविटी है उसको एकदम 90 के ऊपर कर लेना है। किसके ऊपर कर लेना है, एकदम 90 के ऊपर कर लेना है। फिर देखना आप लोग स्कोप इन करके कितने तगड़े वाले हेडशॉट चिपका सकते हो। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करें 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में, तो 4x स्कोप सेंसिटिविटी का भी सेम सीन है। अगर आप लोग स्कोप इन करके हेडशॉट मारना चाहते हो तभी आप लोग हेडशॉट मार पाओगे, एनीवे आप लोग नहीं मार पाओगे। अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी एंड रेड डॉट सेंसिटिविटी एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बताऊं, तो आपका जो 4x स्कोप सेंसिटिविटी है वो 90 से अबव होना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग बता दूं, 95 के करीब अगर आप अपना सेंसिटिविटी रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले हेडशॉट मार सकते हो। एंड थर्ड चीज, हमारा स्नाइपर सेंसिटिविटी, जो कि हमारे AWM के लिए, Kar98 के लिए एंड जो भी हमारी M82V, जो भी हमारी स्नाइपर गन है उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो स्नाइपर गन के लिए मैं अगर आप लोगों को रिकमेंड करूँ सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी, तो वो होती है गाइज 30 से लेके 50 के राउंड। 30 से 50 आप लोग कितना भी सेंसिटिविटी रख सकते हो अपना स्नाइपर स्कोप का। बाय द वे, मैं यहाँ पे 45 रख के खेलता हूँ, तो आप लोग भी 45 रख के खेल सकते हो, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अभी रहती है हमारी लास्ट की दो सेंसिटिविटी, रेड डॉट सेंसिटिविटी एंड जनरल सेंसिटिविटी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बता दूं, अगर आप लोग कंट्रोल सेटिंग में जाओगे तो आप लोगों का जो लेफ्ट फायर बटन है वो हमेशा ऑलवेज ऑन रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों को ग्लू लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ में आपको जो क्विक वेपन स्विच वाला ऑप्शन है उसको भी आप लोग ऑन करके खेलोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग 3 फिंगर प्लेयर हो या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तब।
एंड गाइज बाकी की सेंसिटिविटी, बाकी की सेटिंग आप लोग देख सकते हो क्या क्या सेटिंग मैं रखता हूँ। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइज मैं अगर बात करूँ जनरली रेड डॉट सेंसिटिविटी कर रहे हैं, तो रेड डॉट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जस्ट 95 कर देना है इसको, चुपचाप इसको एकदम 95 कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे 95 कर रहा हूँ, इसको एकदम 95 के ऊपर रख देना है। एंड अगर मैं बात करूँ जनरल सेंसिटिविटी के बारे में, अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है तो भाई जनरल सेंसिटिविटी को कभी भी 100 नहीं करना है। एंड अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है तो आप लोगों को कभी भी जनरल सेंसिटिविटी को 90 से नीचे नहीं लेके जाना है। मतलब कि आप लोगों का जो सेंसिटिविटी सेटिंग है एज ए हाई एंड डिवाइस के लिए, तो हाई एंड डिवाइस के लिए अगर मैं बात करूँ तो 90 के ऊपर बेस्ट है, क्योंकि 90 के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास आईफोन डिवाइस है या फिर 6 GB से लेकर 8 GB रैम वाला मोबाइल है, तो आप लोगों के लिए 90 सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है जैसे 2 GB, 3 GB एंड 4 GB, तब तो आप लोगों का अपना जो रेड डॉट सेंसिटिविटी, सॉरी जनरल सेंसिटिविटी है, उसको हमेशा 95 या फिर 100 के करीब रखना है। जैसे कि आप लोग 97 के करीब रख सकते हो या फिर 100 भी कंप्लीट रख सकते हो अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है। लेकिन हाई एंड डिवाइस के लिए आप लोगों को इसको 90 के ऊपर रखना है, एंड इससे आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। बाय द वे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। एंड मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि भाई इस चैनल को मैंने फिर से ग्रो करना है, तो भाई जितना ज्यादा सपोर्ट हो उसके प्लीज उतना ज्यादा सपोर्ट आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए।